वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। आज 8th ऑफ सितंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप केएस एजुकेशनल को फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा। पहला सवाल मैंने जो आपके लिए रखा है कि भारत किस देश के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजित किया है। हालांकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए चुना है। और भारत एक्चुअली किस देश के साथ ये किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। एक्चुअली भारत क्या है ना कि लीड कर रहा है इस प्रोजेक्ट में और यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से ये सब कुछ हो पाया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और ब्रिटेन सरकार के ब्रिटिश एरोस्पेस प्रणाली के सहयोग से 26 देशों के लिए सफलतापूर्वक साइबर सुरक्षा, 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा किया जा रहा है। 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास का डिजाइन और संचालन किया गया जिसका कि नेतृत्व भारत कर रहा है। इस मेन अभ्यास जो है, ये जो मेन एजेंडा है, ये जो मेन प्रोजेक्ट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस अभ्यास का मेन उद्देश्य विभिन्न संगठनों के साइबर हमले के संकट से व्यापक सुरक्षा प्रदान करना है। जैसे कि आप रैंसमवेयर सुने होंगे बहुत पहले, तो इस तरीके के अभ्यास से इन संकटों से निवारण किया जा सकता है मेनली, और जिसका कि लीड कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश ने 7 टोटल समझौते किए हैं और इस समझौते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के संयुक्त रूप से कुछ मेगावाट के क्षमता पर समझौता हुआ है। ये टोटल आपको बताना है कि क्या है। तो टोटल कितने समझौते हैं? 7 समझौते। क्या आपका क्षमता है? तो क्षमता आपको बताना है 1320 मेगावाट का मैत्री ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और जो क्षमता है वो ये है। ठीक है, और तीसरा जो रखा है मैंने, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है? कर्तव्य पथ। भारत का जो पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? पहला जो जैव ग्राम है वो त्रिपुरा में है। माय क्वेश्चन इज दिस कि आपको त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर और त्रिपुरा का कैपिटल और त्रिपुरा में जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो मुझे कमेंट करके बताना है। तो 3 क्वेश्चन हमारे तरफ से आप लोगों को दिया गया है। एंड अनदर वन इज द भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन को किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? एक्चुअली देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं क्योंकि इसमें बताऊंगा आप लोगों को। तो पहले इसका आंसर देख लीजिए कि ये तो यूनाइटेड किंगडम है। भारतीय मूल के जो सुएला ब्रेवमैन है इसको किस देश का गृह सचिव नियुक्त किया गया है? दैट वन इज द यूनाइटेड किंगडम। बट माय क्वेश्चन इज दिस कि अभी करंटली आपने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, तो प्राइम मिनिस्टर अब कौन है? लीज ट्रस। बट जो लीज ट्रस का एक्चुअल नेम जो है ना वो आपको पता होना चाहिए कि इनका एक्चुअल नेम है मैरी एलिजाबेथ ट्रेस। ठीक है, बट आपको पता है कि ये 56th प्राइम मिनिस्टर है यूनाइटेड किंगडम की एंड द थर्ड वीमेन प्राइम मिनिस्टर। जो पहला वीमेन प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी? मार्गेट थैचर। तो ये वहां की थर्ड वीमेन प्राइम मिनिस्टर है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस राज्य को भारत तौल गांव का हर घर आरो जल वाला देश का पहला गांव बनाया गया है? और ये और कोई नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ये है आपका। दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? तो ये अरविंद चिदंबरम ने जीता है, अरविंद चिदंबरम। राष्ट्रपति ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया है? ये शिक्षक का नाम है श्री सिद्धार्थ योनजोन। किस राज्य के नए मुख्यमंत्री ने 3 नए जिलों का उद्घाटन किया है? ये राज्य कोई और नहीं बल्कि
छत्तीसगढ़ है। मेन क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या पूछा जाएगा कि उन तीन जिलों का भी नाम आपको बताने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो एक आपको बता रहा हूँ मैं, मोहल्ला मानपुर चौकी है, दूसरा है सारगठ बिलाईगढ़ है, तीसरा है खैरागढ़ खई छुई खदान। तो ये तीन हैं टोटल वहाँ के जो कि जिलों का नया उद्घाटन किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख को किस देश के सेना जनरल का मानक पद प्रदान किया गया है, और ये कोई और देश नहीं बल्कि नेपाल है। मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि नेपाल का कैपिटल क्या है और वहां के फिलहाल प्राइम मिनिस्टर कौन है। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है, ये देश आपका चाइना है। तो ये कुछ आज के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा था। माय डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यूट्यूब चैनल केएस एजुकेशनल को, एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, डू लाइक इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम हियर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, इवन योर फैमिली मेंबर्स एंड द डियरेस्ट वन। अपने दोस्तों के साथ ना भूलें इसको शेयर करना, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं वापस एक नए सेशन के साथ। सो तब तक आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।